हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए नाइन्थ क्लास के मैथ्स में हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। इस समय आई थिंक आपको चार एक्सरसाइज करा चुका हूँ। अब हम एक्सरसाइज ई करेंगे। ई जो आपकी एक्सरसाइज है वो एक्चुअली आपका क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब दिया हुआ है तो इसकी आइडेंटिटी होती है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और अगर यहाँ माइनस हो तो क्या होगी, तो ये होगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये आती है आपकी आइडेंटिटी, सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये होता है आपका एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, और एक होता है एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसी टाइप से आपका ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार आइडेंटिटी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए सीधे एक्सरसाइज लेता हूँ मैं। एक्सरसाइज है आपकी, चलिए नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज है आपकी 3E, इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेंड। तो कोई भी ले लीजिए, जैसे कि थर्ड मैंने ले लिया, इसमें लिया है 2 बाई 3 है, कैंसिल करिए इसको, 1 प्लस 2 बाई 3 एक का होल क्यूब। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर एक्स की जगह 1 है, वाई की जगह क्या है 2 बाई 3 ए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 बाई 3 ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 2 बाई 3 इंटू ए का क्यूब बी प्लस 3 ए की जगह 1 बी की जगह सॉरी एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 बाई 3 ए और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई यानी 1 प्लस 2 बाई 3, ठीक है। अरे 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया, ये हो गया आपका 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और ए क्यूब, ठीक है। प्लस देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2a और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 बाई 3। अब क्या कर सकते हैं, अब 2a का अंदर ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस 8 बाई 27 ए क्यूब प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2a आएगा, प्लस 2a का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई 3, ठीक है। सॉरी, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 8 बाई 27 ए क्यूब प्लस 4 बाई 3 ए स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया, ठीक है। चलिए बस यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, फैक्टराइज करना है इसमें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें दिया है 8a³ + 27b³ + 36a² b + 54ab² तो देखिए ये सीधा सीधा आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बनना है। कैसे, देखिए 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू a³ प्लस 27 को लिख सकते हैं 3b³ प्लस, ठीक है। देखिए इसमें आपको कॉमन दिखाई देगा 18, ठीक है, लेकिन 18 से काम चलेगा नहीं, आप 3 कॉमन लीजिए इसमें से, क्योंकि आपको चाहिए 3 इस पूरे में से, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 से ये भी कैंसिल होता है और 3 से ये भी कैंसिल होता है, ठीक है। 3 और a कॉमन है, ठीक है, और b कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, देखिए 3 यहाँ से बाहर आ गया तो ये बचेगा 1 और 2, a बाहर आ गया तो a बचेगा क्योंकि 2a थे, और b आ गया तो b नहीं बचेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका
एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, आपको ब्रैकेट भी तो सेम लाना है, तो इसमें से एक्चुअली 18 ही कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 18 ए बी, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 18 फोर जा सॉरी 18 थ्री जा 54, तो यहाँ बचेगा 3b। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू 3b। देखिए 3 2 6 3 18 वही आएगा, और 2a प्लस 3b। अब आप इसको कंपैरिजन करा के देखेंगे, अगर x दिवाली इसके x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, तो बिल्कुल आपका सेम बन रहा है, तो ये क्या होता है आपका x प्लस y का होल क्यूब, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा फिर 2a प्लस 3b का होल क्यूब। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और सिक्स वाला ले हैं, सेवन्थ देखते हैं। सेवन्थ में लिखा है आपका, सेवन तो सिंपल लग रहा है, एट लेते हैं। एट है आपका 64/125 ए क्यूब माइनस 96/25 ए स्क्वायर प्लस 48/5 ए माइनस 8। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब इसमें क्या करेंगे देखिए, 64 और 25 दोनों ही आपके क्यूब बनते हैं किसके, 4 के, तो इसको आप लिख सकते हैं 4/5 ए का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये 8 है आपका, 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये दोनों बचे। ठीक, अब आपको क्या कॉमन लेना है इसके अंदर से, अब आप ये देखिए क्या कॉमन आ रहा है। अब देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको ब्रैकेट लाना है यहाँ पर इसका, यानी 4/5 ए माइनस 2, ये आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या कॉमन लें कि इन दोनों में से ये बचे, तो आप क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा आपको, इसमें से आपको कॉमन लेना पड़ेगा 24/2, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको कि 48/5 ए में से अगर ए में अगर आप डिवाइड करें 24/5 ए का, तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे 48/5 ए और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 24 ए, तो आप ये देखिए ये आ जाएगा 5 से 5 ए से ए कैंसिल और 24 से कैंसिल 2 टाइम, तो 2 बचेगा। अब इसी टाइप से इसका देखिए यहाँ पे, ये 96 में 96/2/5 ए स्क्वायर में आप किसका डिवाइड करें, देख कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिवाइड, आपको 4/5 लाना है, तो यानी ऊपर आपको तो चाहिए 4, तो 4 टाइम्स ये कैंसिल होना चाहिए आपका, किससे 4 टाइम कैंसिल होता है जी, आई थिंक 24 से 4 टाइम कैंसिल होता है, तो 24/5 ए। ठीक है, तो आप देखिए डिवाइड करिए, तो ये आएगा 96/25 ए स्क्वायर इंटू 5/24 ए, तो आप देखेंगे ए से एक प्रॉपर्टी ये कैंसिल हो गया आपका 4 टाइम, और 5 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो क्या बचा 4/5। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आपका कॉमन लेंगे 4/5 ए, ये कॉमन आपका, सॉरी 24/5 ए आपका कॉमन आएगा यहाँ। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब ये कर सकते हैं हम कि 4/5 ए का होल क्यूब, अभी हमको 3xy बनाना है, तो 2 का क्यूब माइनस, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 24 को लिख सकते हैं 3 into 8, और 8 को भी आप लिख सकते हैं 4 into 2। ठीक है, देखिए 3 4 12 12 2 24 हो गया। अच्छा, ए आपको साथ लेना है ए के साथ, तो ए आपने इसके साथ ले लिया, और बाई 5 आपने इसके साथ ले लिया, तो देखिए 24/5 ए को आपने इस टाइप से ब्रेक कर दिया जो यहाँ पे आपका है। अब ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ही आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, ये देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, तो आप कोई सा भी ले लीजिए, जैसे कि फर्स्ट आपने ले लिया 103 का होल क्यूब,
तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखिए 100 प्लस 3 का होल क्यूब, और इसको एक्सपेंड कर दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए इंटू पी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई आप जो भी कह सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 20, ये आपका 9 का क्यूब कितना हो गया 81 और 9, तो ये आपका आ गया 729, 729 प्लस ये हो गया आपका 900, और ये कितना हो गया आपका, देखिए 900 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 20 आएंगी, प्लस 900 का 9 में करेंगे तो 9 इंटू 900 ये आएगा आपके पास। तो इसको आप फिर से सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसमें आपने एक ज़ीरो कम, मैंने एक ज़ीरो कम लगाई है, और प्लस 9 ज़ीरो वाले एक तरफ लिख लेते हैं, और प्लस 729 प्लस ये क्या हो गया 8100, ठीक है। अब इनको आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, तो ऐड कैसे करेंगे देखिए, 0 9 0 0 तो 9 आ गया, ठीक है, 0 2 0 0 2 आ गया, 1 7 9 0 0 9 आ गया, अब क्या बचा, यहाँ से बचा 8, यहाँ तो कुछ नहीं है, 8 और 9 70 सॉरी यहाँ पे 0 बचेगा, 0 है तो 8 आ गया, ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, फिर यहाँ पे 9 बचेगा, 9 0 9 आएगा, तो आप देखिए कितने प्लेस कैंसिल हो जाएंगे, 5 प्लेस कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा, तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है, 10 98 9 29, 10 एक सेकंड मिस्टेक आ रही है कुछ, सॉरी इसमें देखिए गलती हो गई, यहाँ पर 3 का क्यूब करना था, 9 का कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, दोबारा कर देते हैं, 100 क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 3, ठीक है, और 100 प्लस 3, यहाँ पर भी 9 कर दिया था, 3 आएगा, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 00000 प्लस 27 प्लस ये हो जाएगा 900, और 900 में 20 ऐड हो जाएंगे, इसमें इंटू करेंगे तो प्लस 9 और 3 27 00 ये आएगा आपका। अब इनको ऐड कर लीजिए, देखिए 0 ये 0 ये 7 0 तो 7 आ गया, 0 0 2 तो 2 आ गया, ये भी 0 गई, 7 0 0 तो 7 आएगा, फिर 2 2 2 तो 2 ही आएगा, अब यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से 9 बचा, 9 0 तो 9 आएगा और 2 0, ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, 109 27 27 ये आपका आंसर। तो एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम, देखिए अब है एक्सरसाइज 3F, देखिए इसमें बोल रहा है फैक्टराइज, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 27, तो सिंपल है, देखिए आप क्या करेंगे इसमें, एक्स क्यूब प्लस 27 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 3 का क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, कि एक ब्रैकेट में ए एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इन और प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो यही आपके फैक्टर आएंगे एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और देखिए प्लस वाले में यहाँ पर माइनस आता है, सॉरी तो ये माइनस आएगा, ठीक है, आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, देखिए 13 सिंपल है, वैसे आप खुद कर सकते हैं इसको, ऐसी कुछ खास नहीं है, 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 में लिखा है ए क्यूब माइनस 0.064, ठीक है, अब आपको दिक्कत हो रही होगी, देखिए 0.64 को, तो ऐसे करिए आप, इसमें पॉइंट हटाइए और 3 0 नीचे कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया ए का क्यूब माइनस 64 होता है आपका 4 का, और 1000 होता है 10 का होल क्यूब, ठीक है, तो ये आपका बन गया एक्चुअली ए क्यूब, क्या होगा इसका फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a माइनस 4/10, ठीक है, a माइनस 4/10, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 4/10 a प्लस ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 16/10 16/100,
ठीक है। अब आपको उसको डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 22x^9 - y^9, तो सिंपल है, इसको आप ब्रेक कर लीजिए इस टाइप से। मैंने बताया था पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको लिख सकते हैं x का क्यूब इंटू उसका x का क्यूब का क्यूब, यानी 3×3=9 हो जाएगा। ऐसे इसको लिख लीजिए y का क्यूब का क्यूब, तो ये आएगा आपका a क्यूब एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो एक ब्रैकेट में ये आएगा आपका स्क्वायर प्लस क्यूब वाई क्यूब और प्लस वाई क्यूब का। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर से आपका फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो एक्चुअली थोड़ा टिपिकल सा आएगा। देखिए ये हो गया आपका, इसमें फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये है आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस एक्स वाई की होल पावर 6 और सॉरी होल पावर 3 और प्लस y की पावर 6, बस इतना आपको करना है, ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी सब जैसे क्वेश्चन आपके एग्जांपल में दे रखे हैं उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप करिए 2x प्लस y का होल माइनस, इसको करिए 3x माइनस y का होल। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर प्लस 2xy एक्स प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई प्लस 3x माइनस वाई का होने स्क्वायर ब्रैकेट जेड। ठीक है, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3y ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब देखिए इसको आप खोल सकते हैं, देखिए। ठीक है, अब देखिए इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy और ये आएगा देखिए 2×3=6, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ब्रैकेट बंद और ये। ठीक है, देखिए ये 2x 3x क्या बचेगा, माइनस का x 2y 3y तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5y। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 6xy मल्टीप्लाई कर दिया बस अंदर। अब आप देखिए x स्क्वायर तीनों ही प्लस के हैं, 10 और 3 कितना हो गया 13x स्क्वायर। ठीक है, 4y माइनस का और ये प्लस का, तो देखिए 4 और 3 तो 7 हो जाएंगे और 7 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ y स्क्वायर। 8xy और 6xy, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस का 2xy। ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस का x प्लस 5y। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार आंसर को कॉम्प्लीकेट चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर 9 और 9×2=18 बचेगा। तो अब देखिए x 10 और 9 कितना हो गया 19x स्क्वायर। ठीक है, 4 और 9 कितना हो गया 13 में से 6 माइनस होगा तो बचेगा 7। ठीक है, और ये 18 और 8 तो यहाँ बचेगा 10x। अब ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है आपका 37, आपको प्रूफ करना है। तो देखिए 0.85 तो ये होगा 0.85 का स्क्वायर सॉरी क्यूब है, 3 है, 3 टाइम्स है तो क्यूब हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 0.15 का क्यूब और नीचे तो आपका एज इट इज रहेगा 0.85 × 0. तो देखिए इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, 0.85 का स्क्वायर माइनस 0.85 × 0.15 और प्लस इसको लिख सकते हैं 0.15 का स्क्वायर। LHS ले लिया आपने ये। ठीक है, अब देखिए इसको एक्सपेंड करिए तो फॉर्मूले से करेंगे तो 0.85
प्लस 0.15 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 0.85 का स्क्वायर प्लस 0.85 सॉरी प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा इंटू 0.85 इंटू 0.15 और प्लस का 0.15 इंटू 0. का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत है। अब देखिए और नीचे क्या है आपका, नीचे यही चीज़ तो है, 0.85 का स्क्वायर माइनस 0.85 इंटू 0.15 इंटू सॉरी प्लस 0.15 का स्क्वायर। ये देखिए इस पूरी चीज़ से पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, बचेगा 0.85 प्लस 0.15 इक्वल क्या आएगा 1। ये आपका आरएचएस है, ये आपका आंसर प्रूफ दे, ठीक है। तो देखिए ये एक्सरसाइज ख़त्म और ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया, क्योंकि इसमें जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy वाली जो आइडेंटिटी है वो आपके सिलेबस से साल कैंसिल हो गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।